हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप किस तरह से एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं और इसका बेसिक तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपने मेन्यू बार के अंदर आप देखेंगे फाइल, होम, इनसेट, प्ले, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डेटा, रिव्यू व्यू और क्विक बुक। तो सबसे पहले आप अपनी फाइल के अंदर जाएंगे। तो फाइल के अंदर आपके पास इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और फ्रेंड्स इस पास आपके पास अदर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट आप किस तरह से यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक बिल तैयार है। अगर आप मैं आपको दिखाऊंगा इसकी प्रिंट के अंदर, तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास एक बिल नज़र आने लगेगा इस तरह का। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपका होम का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आपके पास क्लिपबोर्ड, फोन, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग वगैरह। और इंसर्ट में आपके पास तरह के ऑप्शन आते हैं, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डेटा, यानी कि आपके पास तमाम फैसिलिटीज इसके अंदर होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो होम के अंदर बात करते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर, तो इसके अंदर जो है ये फॉर्मेट प्रिंट, पेस्ट, कट, बोल्ड और ये आप कोई कॉलम सेलेक्ट करें और इसके अंदर आप प्रिंट कर दें तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आप इसके अंदर हर तरह का प्रिंट कर सकते हैं और ये आपके टेक्स्ट कहलाते हैं। अगर आपके इसके अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर अपना नाम लिखा है, तो मैं इसको कलरफुल भी कर सकता हूँ। आप नाम को सिलेक्ट करें और ये टेक्स्ट आपको जो पसंद आए वो आप लिख दें इसके अंदर, कलर कर सकते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिलीट, फॉर्मेट और इसके अंदर आप अपने स्पेलिंग भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हैं, इसके अंदर इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, आप इस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इस साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आप इसकी हेडिंग देखेंगे, ए बी सी डी और ये 1 2 3, तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ कॉलम्स कहलाते हैं। अगर आप इसे ई में सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास पूरी लास्ट तक ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये 1 2 3 4 जो आपके लेफ्ट साइड में दिए होते हैं, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके कहलाएंगे रो। तो फ्रेंड्स, आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे मेरा अजीम खान एक कॉलम के अंदर पूरा नहीं आ रहा है, तो आप इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो आपके पास एक ऑप्शन आएगा वो ये है कि इसके अंदर रो और कॉलम का एक ऑप्शन होता है, यानी कि मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे ये हमारा फर्स्ट कॉलम है तो इसके अंदर लिखा हुआ जाएगा A1। इसके बाद मैं इस वाले कॉलम पर क्लिक करूंगा तो ये लिखा हुआ जाएगा B और ये 2, यानी कि B हमारा कॉलम है और हमारी सेकेंड रो है, तो इधर B2 लिखा हुआ आएगा इधर, यानी कि मैं इधर कहीं भी क्लिक करूँगा तो इधर लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये H है और इसकी रो जो है वो 14 है, तो H14 का लिखा हुआ आ गया। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके पास कितनी रो हैं और कितनी कॉलम, तो आप इसको कंट्रोल और डाउन कैरेट पे क्लिक करेंगे। ये देखें, 10,48,576 ये आपके कुछ कॉलम है, यानी कि रो, ये आपकी रो कहलाएंगी 10,48,576। ये देखें, इधर आ गई। और कितने आपके पास कॉलम है वो आप कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपका सबसे लास्ट कॉलम कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने फर्स्ट कॉलम से लास्ट के ना जाना है तो आप कंट्रोल और डाउन एरर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप सबसे लास्ट में पहुंच गए। और अगर आपको फर्स्ट कॉलम के ना जाना है तो आप कंट्रोल
ऊपर वाले कॉलम का बटन दबाएंगे तो आप इसमें फर्स्ट कॉलम पे चले गए, और अगर आप कंट्रोल दबा के राइट साइड पे वो क्लिक करेंगे, राइट प्रेस करेंगे, तो ये आप सबसे राइट वाले कॉलम के चले गए, और अगर आप कंट्रोल दबा के लेफ्ट वाले कॉलम के क्लिक करेंगे तो आप ये सबसे लेफ्ट में पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से इसके अंदर अपने नाम की सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ अजीम खान। तो फ्रेंड्स, इस तरह के मैंने इसके अंदर कुछ नाम लिख दिए, तो अब मुझे अजीम के ऊपर आगे खान भी लिखना है। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करके आगे लिख दूंगा खान, तो इधर से अजीम गायब हो गया। तो आप इसको अंडू कर दें तो मेरा नाम इधर वापस आ गया। तो फ्रेंड्स, आप इसमें किस तरह से नाम पूरा लिख सकते हैं, तो इसके अंदर आपको एक फार्मूले का कॉलम दिया हुआ होगा, तो इसमें आप क्लिक करेंगे स्पेस और खान इधर लिख देंगे, तो फ्रेंड्स आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। पूरा नाम इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से, या फिर इसके अंदर आप जैसे अजीम है वो अहमद, तो इसके अंदर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कसर इसके अंदर आ जाएगा अहमद खान। या फिर अगर आप क्लिक यूज नहीं करें तो आप कॉलम सेलेक्ट करें और F2 इसके अंदर आप क्लिक कर देंगे, F2 के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर खुद बहुत कर्सर इसके अंदर आ जाएगा और आप स्पेस करके जो नाम इसे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो अगला ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ होता है वो है जूम इन जूम आउट। ये देखें, इस तरह से ये जूम होता है और इस तरह से ये जूम आउट होता है। मैं जहां इस क्लिक करूंगा वहां पे अगर मैं जूम करूंगा तो ये उसी ऑप्शन को दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक बॉर्डर बना लेता हूँ उस तरह से, और मैं चाह रहा हूँ कि खाली यही दिखे मुझे, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इतने हिस्से को और जूम इन कर लूँगा। ये देखें, ये मुझे नज़र आने लगे इस तरह से बड़ा, और अगर मुझे छोटा देखना है तो मैं जूम आउट कर लूँगा इस तरह से। ये देखें, यानी कि मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा जूम इन करने के बाद तो मुझे ये वही कॉलम दिखाएगा सिर्फ। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम शीट 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद हम एक और शीट, यानी कि बहुत सारी शीट हम इसके अंदर ऐड करते चले जाते हैं। ये देखें, इस तरह से मैं पूरी विंडो में, पूरी एक्सेल के अंदर कहीं भी इधर क्लिक करूँगा, अगर मैं कीबोर्ड के ज़रिए मुझे एक शीट से लास्ट शीट में जाना है तो मैं किस तरह से जाऊँगा वो बताता हूँ मैं आपको। इस तो मुझे इसके अंदर क्लिक करना है और कंट्रोल पेज अप, तो इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये मैं शीट 1 में पहुंच गया। अगर मैं करूँगा पेज डाउन तो ये देखें, पहली से दूसरी शीट में आ गया, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, यानी कि जितनी शीट मेरे पास होंगी मैं चाहूँ उसमें से जो शीट चाहूँ ले सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इस वीडियो के वाले से जो भी बात पूछनी हो तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid of the dark.